बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम टेली आरपी 9 में सीखेंगे एंट्री ऑफ सेल्स वाउचर। तो इसका शॉर्टकट क्या है? F8। तो चलो कि आज हम सीखेंगे टेली आरपी 9 में एंट्री ऑफ सेल्स वाउचर। तो कैसे करेंगे? तो यहां पर मैं टेली सॉफ्टवेयर ओपन करूंगा। तो चलो, टेली यहां पर मैंने ओपन किया है। तो अब यहां पर आप देखते हैं कि कंपनी का नाम क्या है, टाटा ट्रेडर्स। तो अब यहां पर हम इसका बैलेंस शीट देखेंगे। सबसे पहले बैलेंस शीट देखने के लिए यहां से आपको बाहर जाना है, कंपनी इन्फो मेन्यू से आपको बाहर जाना है। क्या करेंगे यहां पर आपको एस्केप की प्रेस करना है। एस्केप की प्रेस करने के बाद हम किस मेन्यू में आए हैं, गेटवे ऑफ टेली में। तो यहां पर हम बैलेंस शीट चेक करेंगे। सबसे पहले तो बी प्रेस करना है, उसके बाद ऑल्ट प्लस F1 करना है। ऑल्ट प्लस F1 करने के बाद यहां पर आप देखते हैं कैपिटल 50,000, उसके बाद यहां पर आप देखते हैं कि करंट एसेट 50,000, उसके बाद यहां पर क्लोजिंग स्टॉक। तो ये हमें देखना है क्लोजिंग स्टॉक। यहां पर आप देखिए क्लोजिंग स्टॉक कितना है, यहां पर हॉट डिस्क, ठीक है, कितना है, 10 पीसेज, रेट 200। तो उसके बाद यहां पर मस्टर्ड ऑयल 60 लीटर्स, रेट पर लीटर 100 रुपीज पर केजी, ठीक है। चलो कि यहां से हम बाहर जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर जो सेंडी डेटर है, ठीक है, तो ये देखिए कौन यहां पर अभी सेंडी डेटर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो चलो यहां पर आप कैश इन हैंड देखेंगे, ये देखो कैश इन हैंड, ठीक है, 42,000, ठीक है। तो 50 कैश इन यहां पर करंट एसेट था, इसमें 8,000 हमने यहां पर परचेज किया यहां पर प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास इस वक्त कितना कैश इन हैंड रह गया है, 42,000। तो आज की जो एंट्री है वो है सेल्स वाउचर, ठीक है। तो परचेज करने के बाद आपको क्या करना है, सेल्स वाउचर क्रिएट करना है। लेकिन सेल्स वाउचर क्रिएट करने से पहले आपको क्या करना है, सेल्स लेजर बनानी है, ठीक है। तो सेल्स लेजर बनाने के लिए आपको क्या करना है, यहां पर अकाउंट्स इन्फो टेप को सेलेक्ट करना है, प्रेस एंट्री करना है। लेजर टेप को सेलेक्ट करना है, प्रेस एंट्री करना है। यहां पर आपको क्रिएट पर सीधा प्रेस एंट्री करना है। तो यहां पर आप लिखेंगे सेल्स अकाउंट लिखने के बाद प्रेस एंट्री करना है। यहां पर आपको क्या करना है, अंडर में आपको क्या लिखना है, एस को प्रेस करना है, अंडर सेल्स अकाउंट। यहां पर आपको सेल्स अकाउंट टेप को सेलेक्ट करना है, यहां पर आप देखिए, ठीक है, सेल्स अकाउंट टेप, ठीक है, यहां पर आपको प्रेस एंट्री करना है। उसके बाद इन्वेंटरीज वैल्यूज आर इफेक्टेड, यहां पर आपको यस ही रखना है, प्रेस एंट्री करना है, इंटर करते रहो, ठीक है। तो यहां पर इंटर, उसके बाद ओपनिंग बैलेंस यहां पर भी इंटर करो, ठीक है। इस लेजर को आपको सेव करना है, अगर आपको सेव करना है प्रेस एंटर करना है। चलो कि यहां पर आपको क्या करना है, इस लेजर को सेव करना है, प्रेस एंटर की करना है, ठीक है। तो उसके बाद यहां पर आपको क्या करना है, तो सेल्स लेजर बनाने के बाद आपको क्या करना है, अब हमें सेल्स वाउचर क्रिएट करना है। उसके लिए आपको क्या करना है, यहां से आपको बाहर जाना है, लेजर बनाने के बाद आपको बाहर जाना है, एस्केप की को 4 टाइम प्रेस करना है, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो 4 टाइम एस्केप की प्रेस करने के बाद आपको क्या करना है, गेटवे ऑफ टेली में सेल्स वाउचर क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, अकाउंटिंग वाउचर टेप को सेलेक्ट करना है, प्रेस एंट्री करना है, ठीक है। तो यहां पर परचेज वाउचर आया है, ठीक है, लेकिन हमें सेल्स वाउचर क्रिएट करना है, इसकी एंट्री करनी है। तो यहां पर आपको F8 प्रेस करना है, या तो F8 प्रेस करेंगे, या तो यहां पर आप क्लिक करेंगे इधर, ठीक है। चलो कि यहां पर हम प्रेस F8 करेंगे, ठीक है। F8 प्रेस किया तो सेल्स वाउचर यहां पर डिस्प्ले हो गया, यहां पर आप देखिए, ठीक है। यहां पर आपको रेफरेंस नंबर देना है, चलो कि रेफरेंस नंबर मैंने दिया है 120। उसके बाद यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर दो चीजें हैं, अगर आपको पार्टी नेम में आपको क्या लिखना है, अगर आप बाय कैश करेंगे, नकदी करेंगे, यहां पर आपको कैश, अगर आप कस्टमर से कैश की एंट्री करेंगे तो नकदी कैश लेंगे कस्टमर से, ठीक है। तो यहां पर आपको कैश देना है, अगर आपको उधार देना है, ठीक है, तो यहां पर आपको ये जो सोहेल एंटरप्राइजेस है ये सेंडी डेटर है, यानी कि कस्टमर है, ठीक है। तो चलो कि यहां पर हम, अगर आप कैश करेंगे, नकदी करेंगे, कस्टमर से नकदी पैसा लेंगे, तो कैश यहां पर आपको देना है पार्टी नेम में, अगर आपको उधार देना है, ठीक है, तो उधार देने के लिए यहां पर आपको सेंडी डेटर का नाम देना है, ठीक है। तो इसको ऑलरेडी वहां पर आपको बनाया सेंडी डेटर की लेजर, ठीक है। चलो कि सेंडी डेटर, ठीक है, कौन है, सोहेल एंटरप्राइजेस, यहां पर सोहेल एंटरप्राइजेस, ये उधार
कि एंट्री हम करते हैं, ठीक है, नकदी नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको डिलीवरी नोट देना है, ठीक। उसके बाद डिस्पैच नंबर देना है, प्रेस एंट्री करना है। यहाँ पर आपको ऑर्डर नंबर देना है, वो आप देंगे, ठीक है। उसके बाद प्रेस एंट्री करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको प्रेस एंट्री करना है तो पेमेंट मोड ऑफ टर्म्स ऑफ पेमेंट वो आप यहाँ पर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, बायर्स, ठीक है, सोयल ट्रेडर्स, ठीक है, ये कहाँ का है, बांडीपोरा का एड्रेस, ठीक है। उसके बाद प्रेस एंट्री करना है, यहाँ पर स्टेट जम्मू एंड कश्मीर टैक्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है। चलो यहाँ पर आप प्रेस एंट्री करो तो अंडर यहाँ पर सेल्स लेजर, अंडर सेल्स अकाउंट यहाँ पर आपको देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जो प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पर डिस्प्ले करने हैं, यहाँ पर डिस्प्ले प्रोडक्ट्स नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपको प्रेस स्पेस बार की करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हॉट डिस्क, ठीक है, चलो कि हॉट डिस्क यहाँ पर हम देंगे, ठीक है। तो हॉट डिस्क यहाँ पर हमें सेल करना है, ठीक है, किसको करना है, सोइल ट्रेडर्स को करना है, मगर किस में, नकदी में या उधार में, उधार में, ठीक है। चलो कि यहाँ पर हम हॉट डिस्क, ठीक है, चलो कि यहाँ पर हम 4 हॉट डिस्क यहाँ पर सेल करेंगे तो रेट हम देंगे यहाँ पर 500 पर हॉट डिस्क, ठीक है। उसके बाद रेट देने के बाद प्रेस एंट्री करना है, उसके बाद यहाँ पर अमाउंट खुद ब खुद आया, यहाँ पर आप देखते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रेस एंट्री करना है, दोबारा प्रेस एंट्री करो, ठीक है। उसके बाद दूसरा आइटम क्या है, स्पेस बार को टच करो, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा आइटम है मस्टर्ड ऑयल, ठीक है। तो मस्टर्ड ऑयल यहाँ पर आपको कितने लीटर्स आपको सेल करने हैं या आपने किए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7 लीटर्स, ठीक है। उसके बाद रेट यहाँ पर आपको देना है 150 देना है, ठीक है। तो 150 कुछ भी देंगे आप, वहाँ पर हमने परचेज किया ना पर केजी हमने 100 में किया है, लेकिन हमें सेल करना है, सेल करने में हमें प्रॉफिट आना चाहिए, तो हम पर यहाँ पर हम क्या करते हैं, सेल अमाउंट हम बढ़ाते हैं रेट, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आप इंटर की करेंगे, प्रेस एंटर करेंगे, प्रेस एंटर करेंगे, तो अगर तीसरा आइटम यहाँ पर आप दे सकेंगे, क्योंकि हमारे गोडाउन में इस वक्त सिर्फ 2 ही आइटम्स है, ठीक है। तो चलो कि यहाँ पर हम प्रेस एंट्री करें, प्रेस एंट्री करेंगे, ठीक है, दोबारा प्रेस एंट्री करते रहो, ठीक है। तो नरेशन में आपको लिखना है इस वोचर में आपने क्या किया, रेफरेंस अबाउट दिस वोचर, ठीक है। उसके बाद प्रेस एंट्री करो, ठीक है, एक्सेप्ट यस आर नो, अगर आपको ये वोचर सेव करना है तो यहाँ पर आपको प्रेस एंट्री करना है, अगर नहीं करना है तो वो पर आपको क्लिक करना है, चलो कि इस वोचर को हमें सेव करना है, प्रेस एंट्री करना है, ठीक है। तो ये था सेल्स वोचर के एंट्री टेली में। चलो कि अगर हम यहाँ पर इसकी जो बैलेंस शीट देखेंगे, ठीक है, चलो कि यहाँ पर हम प्रेस एस्केप की करें, 1 2, ठीक है, 2 बार प्रेस एस्केप की करेंगे, तो चलो कि यहाँ पर हम इस वक्त देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। गेटवे ऑफ टेली में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टेप को सेलेक्ट करो, प्रेस एंट्री करो, ठीक है। उसके बाद ऑल्ट प्लस F1 करो, यहाँ पर पूरी समरी आप देखते हैं, ओपनिंग स्टॉक कितना था, ठीक है, तो यहाँ पर हॉट डिस्क, ठीक है, यहाँ पर हॉट डिस्क और मास्टर डायल, ठीक है, 8000 का, ठीक है। उसके बाद परचेज आपने यहाँ पर किया 8000 में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देखते हैं कि नेट प्रॉफिट यहाँ पर आया है 1550 रुपीज। आप चले कि इस एरिया में जाए, ठीक है, तो सेल्स सेल आपने कितना किया है, यहाँ पर सेल्स अमाउंट कितना आया है, 3050 रुपीज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देखते हैं, तो उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक कितना रह गया यहाँ पर, यानी कि 6500, ठीक है। तो उसके बाद हार्ड डिस्क यहाँ पर आप देखते हैं, हार्ड डिस्क का वैल्यू कितना है, 1200। उसके बाद मास्टर डायल का यहाँ पर आप देख, अगर आप देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, चलो कि हार्ड डिस्क को यहाँ पर ये देखिए आप, ठीक है, 10 पीसेस थे, ठीक है। तो आप यहाँ पर इनवर्ड्स मीन्स परचेज, ठीक है, तो उसमें आपने आउटवर्ड क्या किया है, सेल क्या किया, आउटवर्ड्स मीन्स सेल करना, 4 पीसेस की है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके गोडाउन में कितना बैलेंस रह गया हॉट डिस्क, यहाँ पर 6 नंबर्स हैं, 6 पीसेस, ठीक है। तो ये इसका अमाउंट यहाँ पर आप देखिए, ठीक है, ये वैल्यू है, ठीक है, ये वैल्यू है कि अगर आपके गोडाउन में 6 नंबर्स है, ठीक, इसका वैल्यू, उसका अमाउंट कितना आएगा, 1200, ठीक है। तो अगर आपने 4 पीस को सेल किया, ठीक है, यहाँ पर आप देखिए, ठीक है, तो चलो कि यहाँ से हम बाहर जाएंगे, अगर हम यहाँ पर प्रेस एंट्री करेंगे, ये देखिए आप परचेज ये है, ये हो गया परचेज, ये हो गया सेल, यहाँ पर आप देखिए आउटवर्ड्स, ये हो गया क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो चलो कि यहाँ पर हम वापस जाएंगे, प्रेस एस्केप की करना है, ठीक है। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट आपके हाँ में आया कितना, 1550 रुपीज, ठीक है। तो उसके बाद अगर आपको स्टॉक समरी देखनी है, स्टॉक समरी ये देखिए आप, ठीक है। तो यहाँ पर स्टॉक समरी में हॉट डिस्क यहाँ पर आप देखें, इस वक्त स्टॉक समरी में अवेलेबल कितना है, 6 पीसेस
एंड यहाँ पर 53 लीटर्स, क्योंकि 60 थे, 7 को हमने सेल किया है। तो रेशियो एनालिसिस आप यहाँ पर देखेंगे, ये रेशियो एनालिसिस है, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, शब्बा खैर, खुदा हाफिज़।